आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारा सॉफ्टनर प्लांट कैसे काम करता है, कैसे हम नमक चार्ज करते हैं और कैसे इसे ऑपरेट करते हैं। प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। सॉफ्टनर प्लांट से आप पीछे देखेंगे तो हमारा एक आरओ प्लांट लगा हुआ है। सॉफ्टनर के बाद आरओ प्लांट पर वीडियो आने वाली है। दोस्तों, सॉफ्टनर को डिटेल में समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि सॉफ्टनर में जो हम नमक चार्ज करते हैं वो नमक का पानी कैसे सॉफ्टनर सक कर लेता है, कैसे वैक्यूम क्रिएट होता है, जो नमक का सारा पानी हमारे सॉफ्टनर में चला जाता है। आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगी जिसमें हर किसी ने बता रखा है कि सॉफ्टनर में हमारा एक इंजेक्टर लगा होता है। इंजेक्टर कहना गलत होगा क्योंकि इंजेक्टर नहीं होता है इसमें, इसमें एक वेंचुरी वाल लगा होता है जिसके जरिए हमारा सॉफ्टनर पानी को सक करता है। इसका डिटेल में मैं समझाता हूँ आपको एनिमेशन से कि वेंचुरी वाल कैसे काम करता है, क्योंकि इंजेक्टर तो हमारा फ्यूल जहाँ हम यूज करते हैं वहाँ लगा रहता है। दोस्तों, वेंचुरी वाल का सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ फिश एक्वेरियम में, जो एक कांच का पॉट होता है जिसमें अंदर मछलियाँ होती हैं, उसको फिश एक्वेरियम बोलते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं छोटे छोटे बबल्स उठ रहे हैं, ये हमारे वेंचुरी वाल की वजह से उठ रहे हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ दोस्तों, पानी के बड़े से पॉट में मैंने एक सम पंप डाल दिया और सम पंप के आगे मैंने वेंचुरी वाल कनेक्ट कर दिया है जिससे पानी में बबल्स आप देख सकते हैं। जैसे हम नमक के घोल में पाइप डालते हैं वेंचुरी वाल को लगा करके, एज इट इज यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का पाइप निकाल लिया पानी से ऊपर। पाइप को मैं जब अपने हाथ के अंगूठे से दबाऊंगा तो ये पानी में बबल्स आना बंद हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो पानी के अंदर बबल्स आने लगेंगे, यहाँ से एयर लेने लगेगा। अगर इसको हम नमक के पानी में डाल देते तो ये नमक का पानी खींचने लगता। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा और समझा देता हूँ एनिमेशन के जरिए। एक तरफ आप इनलेट देख रहे हैं और दूसरी तरफ आउटलेट देख रहे हैं और नीचे से साल्ट को चढ़ाने वाला पाइप है। अभी क्या किया है, इसको बीच में थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, इसका साइज कम कर दिया। यही वेंचुरी वाल का लॉजिक है और एज इट इज आपको अपने इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको जो पिक दिखा रहा हूँ और इसमें जो आप फ्लेंच देख रहे हैं, इस फ्लेंच के अंदर जो पाइप है इसमें हमारा वेंचुरी वाल कनेक्टेड है। तो अगली वीडियो में इसे खोल के भी दिखा दूंगा क्योंकि हमें कभी कभी इसको क्लीन करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको दो फिल्टर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से पहला फिल्टर हमारा MGF मल्टीग्रेड फिल्टर है, जिसके अंदर हमारी फिल्टर मीडिया, सैंड, एक ग्रेबल्स की लेयर। जब मैं इसका डिजाइन समझाऊंगा तो प्रॉपर तरीके से सारे फिल्टरों को समझा दूंगा। दूसरा फिल्टर हमारा सॉफ्टनर है जिसके अंदर रेजिन भरी हुई है और बीच में जो देख रहे हैं आप ब्लैक कलर का, ये हमारा नमक को घोलने वाला टैंक है। यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से आपको ड्राइंग के जरिए समझाता हूँ जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसा दोस्तों अभी आपने देखा, एज इट इज मैंने दोनों फिल्टर आपकी डिस्प्ले पे दिखाए हैं, जिसमें से पहला फिल्टर MGF और दूसरा फिल्टर सॉफ्टनर है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अगर हमारा ACF लगा होगा तो MGF के बाद ACF होगा और ACF के बाद हमारा सॉफ्टनर होगा, जिस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं, इधर आई बटन में लिंक दे दूंगा। दोनों फिल्टरों के ऊपर हमने एक मल्टी पोर्ट वाल लगा लिया है। जब आप प्लांट को ऑपरेट करेंगे तो सबसे पहले आपको मल्टी पोर्ट वाल की पोजीशन देखनी है, किस पोजीशन में। दोनों मल्टी पोर्ट वाल हमारे फिल्टर पोजीशन में होने चाहिए जब आप प्लांट को ऑपरेट कर रहे हैं, आप रन कराना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले जब हमारा मोटर ऑन करेंगे उससे पहले ही हमने बाल चेक कर लेने, और यहाँ आप देख सकते हैं जो मैं बाल दिखा रहा हूँ आपको, ये हमारा फिल्टर मोड पर नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे, प्रेस करेंगे नीचे की तरफ और इसे घुमा करके, वो कैसे घुमाना, हमें क्लॉकवाइज, हमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है, हमेशा हम अपने जो आप नोब है इसको हमेशा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हमें अपनी मोटर को ऑन करना है, जिसको हम अपनी इंडस्ट्री में फीड वाटर पंप बोलते हैं, जो रॉ वाटर टैंक से पानी उठा करके MGF फिल्टर के इनलेट पे देगी। इनलेट पे एक प्रेशर गेज भी लगा रहता है जिससे हम प्रेशर देख सकते हैं कि कितना प्रेशर आ रहा है। जहां हमारा इनलेट पाइप लगा हुआ है इसी के पीछे से हमारा ड्रेन पाइप भी है। जब हम इस फिल्टर को बैक वॉश करेंगे तब वो हमारा ड्रेन पाइप काम में आएगा। इसको हम अभी कनेक्ट कर देते हैं दोनों फिल्टर के साथ और इसको हम अपने ड्रेन चैम्बर में भेज दे रहे हैं। यहाँ दोस्तों एक बात और ध्यान देनी है आपको कि ज़रूरी नहीं कि जिधर से हमारा इनलेट है इसी के जस्ट पीछे हमारा ड्रेन पाइप होगा। अलग अलग कंपनी के मल्टी पोर्ट वाल्व में अलग अलग आपको लिखा रहेगा, वहाँ दिख जाएगा कि किस साइड में ड्रेन है, किधर सक्शन है, किधर आउटलेट है। आपको दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे ही आप मोटर को ऑन करेंगे उससे पहले हमें अपने एयर रिलीफ वाल को भी देखना है। जो हमारे फिल्टर होते हैं इनके टॉप सिरे से आकर के एक वॉल होता है, जहां मैंने आपको वॉल वाल लगा करके दिखाया है, इसे भी हम ऑन कर देंगे क्योंकि जब हमारा पानी टैंक के अंदर जाएगा तो इसके अंदर एयर भी बनेगी, वो हमारा एयर रिलीफ वाल के जरिए बाहर निकलती रहेगी
और जब एयर के साथ साथ हमारा वाटर पानी भी आने लगेगा तब हम इस बॉल को बंद करेंगे। अब हमारा MGF फिल्टर से पानी क्लीन होने के बाद हमारे सॉफ्टनर फिल्टर में जाएगा और इसी पाइप में हम एक टोंटी और लगा दे रहे हैं जिसको हम टैप बोलते हैं, जो हमारा टैंक है नीचे नमक का, इसमें पानी भरने के लिए, क्योंकि हम नमक डालेंगे तो बाल्टी भर भर के पानी तो डालेंगे नहीं इसके अंदर, तो यही हमने एक टैप लगा दिया है। अब जो दोस्तों सॉफ्टनर में ऊपर की तरफ वाला पाइप है, इसी के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो मल्टीपोर्ट वाल्व में एक छोटा सा पॉइंट होता है, वहाँ से हमारा जो साल्ट वाला टैंक है इसके अंदर एक पाइप आता है जिसमें हम एक मैनुअली ऑपरेटेड बॉल वाल लगा देते हैं, और इसी पाइप में नीचे एक स्टेनर लगा रहता है जिससे कि इसके अंदर होता है क्या कि कभी कभी नमक डालते हैं हम साबुत नमक, तो उसकी डेलियाँ अंदर ना चली जाएँ सही तरह से, घुल ना पाए, इसलिए स्टेनर लगा देते हैं। अब दोस्तों सॉफ्टनर के ऊपर जो मल्टीपोर्ट वाल लगा हुआ है इसके राइट हैंड से एक पाइप को आउट करके और अपने स्टोरेज टैंक में ले जाएंगे पानी को, क्योंकि यहाँ से हमारा पानी फिल्टर हो गया है, और इसी पाइप में हम एक बॉल वाल और लगा देते हैं क्योंकि कभी कभी इसको बाईपास करने की ज़रूरत पड़ती है, और एक इससे पहले पाइप लगा करके उसको ड्रेन पाइप में कनेक्ट कर देंगे, और इसके अंदर भी एक बॉल वाल लगाएंगे और एक टैप लगाएंगे क्योंकि हमें अपने पानी का PPM चेक करना होता है, तो इसी टैप से हम पानी लेंगे। अब हम एक चीज़ और भूल गए यहाँ पे, जो मल्टीपोर्ट वाल है हमारे सॉफ्टनर का, यहाँ भी एक प्रेशर गेज लगाना है, और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमने ड्रेन पाइप को कनेक्ट किया है इस ड्रेन पाइप को एक जगह से थोड़ा सा कट कर लेंगे, जहाँ से हम पानी को जब सॉफ्टनर में साल्ट चार्ज करते हैं तो उस पानी को चेक करके देख लें ड्रेन वाले पानी को कि पानी में अभी नमक की मात्रा आ रही है या फिर नमक आना बंद हो गया। दोस्तों मुद्दे की बात तो अब शुरू होती है, अब तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर समझा है अपना इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे हम बैक वॉश करेंगे और कैसे साल्ट को चार्ज करेंगे। दोस्तों हर इंडस्ट्री के अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं कि कितना हार्डनेस बढ़ने पे हम अपने सॉफ्टनर में साल्ट चार्ज करेंगे। अब दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन और आ गया होगा कि ये हार्डनेस क्या होता है। ये पानी के अंदर घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, इनके ऊपर बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब बात करते हैं कि हमें सॉफ्टनर को चार्ज करना है, उससे पहले हम अपने MGF फिल्टर को बैक वॉश करेंगे। दोनों फिल्टर हमारा सर्विस मोड पे हैं, मीन्स अभी पानी को फिल्टर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें मोटर को बंद करना है, उसके बाद MGF के मल्टीपोर्ट वाल्व में जो हैंडल है इस हैंडल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे और इसे बैक वॉश मोड पर के लेके आएंगे। जैसे ही हमने अपने बाल को बैक वॉश मोड पर सेट कर दिया, हम अपनी मोटर को ऑन कर देंगे और तब तक बैक वॉश करेंगे जब तक हमारा पानी साफ नहीं आ जाता, क्योंकि हमने अपने ड्रेन वाले पाइप में एक खट लगा लिया है, वहाँ से हम पानी को देखते रहेंगे, जैसे ही हमारा पानी साफ आना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों हमें अपने मल्टीपोर्ट वाल्व को रिंस मोड पर सेट कर देना है और 5 से 10 मिनट के लिए रिंस मोड पर चलाएंगे, यहाँ से भी हमारा पानी ड्रेन होगा, और उसके बाद हमें फिर से अपने मल्टीपोर्ट वाल्व को क्लॉकवाइज घुमाते हुए सर्विस मोड पर लेके आना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है, जो एयर रिलीफ या एयर वेंट वाल है इसको भी खोल देना है, और उसके बाद जब एयर रिलीफ वाल से पानी आने लग जाएगा उसके बाद हम इस वाल को बंद करके अपने जो सॉफ्टनर वाला फिल्टर है इसकी तरफ आ जाएंगे। अभी जो हमारा सॉफ्टनर फिल्टर से आउटपुट वाला पाइप है जो हमारे ट्रीटेड वाटर टैंक में पानी जा रहा है या स्टोरेज टैंक में जा रहा है, इसमें जो लगा हुआ वॉल्व वाल है इसे मैनुअली हम ऑफ कर देंगे और नीचे ड्रेन वाला बाईपास वाल खोल देंगे। जब आप इतना उछल कूद कर रहे होंगे उसी टाइम आपको जो टैब है आपकी साल्ट वाले टैंक के ऊपर, इसको भी खोल के साल्ट वाले टैंक में भी पानी भर लेना है, और साल्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि साल्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने बड़े सॉफ्टनर में कितना साल्ट डालना है। यहाँ जो सॉफ्टनर के ऊपर हमारा मल्टीपोर्ट वाल लगा हुआ है इसमें सिर्फ हमें 3 पोजीशन दिखाई दे रही है, पहला सर्विस पोजीशन, दूसरा रिजनरेशन और तीसरा रिंस मोड। यहाँ बैक वॉश पोजीशन नहीं है इस वाल के अंदर, लेकिन कभी कभी हमें अपने सॉफ्टनर को भी बैक वॉश करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। हर इंडस्ट्री में सॉफ्टनर को बैक वॉश नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका MGF और ACF नहीं लगा है, सीधा सॉफ्टनर लगा है, तब आपको सॉफ्टनर को भी बैक वॉश करना चाहिए। अगर MGF और ACF लगा है तब आप एक वीक में एक बार सॉफ्टनर को बैक वॉश कर सकते हैं। अभी हमारा जो साल्ट वाला टैंक है इसके अंदर हमारा नमक और पानी का ब्रेन बन के तैयार है, अब हमें अपने सॉफ्टनर में इस पानी को चढ़ाना है। उसके लिए हम पहले मोटर को बंद कर देंगे और फिर अपने वाल को क्लॉकवाइज घुमाते हुए रीजनरेशन मोड पर लेके आएंगे,
और अपना जो मैनुअली ऑपरेटेड बॉल वाल लगा के रखा है हमने साल्ट वाले पाइप में, इसको ऑन कर देंगे और फिर से हम मोटर को ऑन करेंगे तो हमारा नमक का पानी हमारे सॉफ्टनर में चढ़ने लगेगा। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात एक और है, जो हमारा गेज लगा हुआ है उस पर प्रेशर भी देखना है, क्योंकि जब भी हम साल्ट चढ़ाते हैं तो हमारा प्रेशर 1.5 केजी से 2.5 केजी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नमक का पानी हमारे सॉफ्टनर में चढ़ गया है, अब हम अपनी मोटर को बंद कर देंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए सॉफ्टनर को ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम अपने जो वाल है इसको रिंस मोड पर सेट करके मोटर को ऑन करेंगे और तब तक इसको रिंस मोड पर पानी को चलाते रहेंगे जब तक हमारा खारा पानी आना बंद नहीं हो जाता। जहां हमने ड्रेन पाइप में एक कट लगा के रखा है वहां से हम बार बार पानी को चख कर देखते रहेंगे कि हमारा पानी नमकीन तो नहीं आ रहा है। जब पानी नमकीन आना बंद हो जाए फिर से हमने अपनी मोटर को बंद करना है। अब हम अपने सॉफ्टनर के ऊपर जो मल्टीपोर्ट बाल लगा हुआ है इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए सर्विस मोड पर लेके आएंगे और जो हमारा ट्रीटेड वाटर की तरफ जो पाइप गया है इसमें ऑलरेडी हमारा बंद है बॉल वाल के जरिए और नीचे ड्रेन वाल खुला हुआ है। अब हम अपने जो टैप लगी है इससे पानी लेके उस पानी का PPM चेक करेंगे और जितना हमारा रिक्वायर्ड PPM है मीन्स 0 PPM या 5 PPM अगर उतना आ गया है तो हम अपने ड्रेन वाल को बंद करके और जो हमारी ट्रीटेड वाटर की तरफ जो वाल लगा हुआ है इस वाल को खोल देंगे और फिर से हमारा वर्किंग में आ गया अपना सॉफ्टनर चार्ज होने के बाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर थोड़ा सा भी अच्छी लगी है तो एक लाइक करना, अगर पसंद नहीं आई है तो इसको डिसलाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।